हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो हम लोग पिछले वीडियोस में जो है क्लास 9 के चैप्टर 10 के प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से एक्सरसाइज 10.1 के 7 नंबर सम से सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 8 नंबर सम से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8 नंबर सम में क्या है, माई फ्रेंड हैज बाउट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटर्न प्राइस। इफ ही सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। तो देखिए इस सब में क्या बोल रहा है, इस सब में बोल रहा है माई फ्रेंड हैज बाउट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटर्न प्राइस। मेरे फ्रेंड जो है एक स्टोरी बुक खरीदा एट 25% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट पे। किस पे 25% डिस्काउंट दे रहा है? ऑन रिटर्न प्राइस, मतलब रिटर्न प्राइस से 25% डिस्काउंट मिल रहा है। और क्या करती है, एक बुक खरीदता है, कौन? मेरे फ्रेंड, ठीक है। इफ ही सेल्स, अगर वो बेचता है द बुक एट रिटर्न प्राइस, अगर वो बुक को रिटर्न प्राइस में ही बेच देता है, ठीक है, बुक को रिटर्न प्राइस के 25% डिस्काउंट में खरीदा, अब बेचता कितने में है? रिटर्न प्राइस में ही। इफ ही सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। तो हम लोगों को कैलकुलेशन के बाद क्या करना है, हम लोगों को ये निकालना है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ठीक है। रिटर्न प्राइस में ही बुक को बेचा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों को तो रिटर्न प्राइस पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम लोग रिटर्न प्राइस को एक्स कंसिडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्स। लेट रिटर्न प्राइस ऑफ द स्टोरी बुक इक्वल टू रुपीज एक्स। मान लिया कि स्टोरी बुक का जो रिटर्न प्राइस है वो एक्स रुपए है। कितने रुपए है? एक्स रुपए है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट कितना दे रहा है उसको रिटर्न प्राइस पे? 25%। तो मैंने डिस्काउंट निकालने बताया था ना, डिस्काउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसका डिस्काउंट दे रहा है उसका मतलब कितना परसेंटेज दे रहा है? 25% दे रहा है। तो 25% ऑफ किस पे डिस्काउंट दे रहा है? रिटर्न प्राइस पे, यानी कि रिटर्न प्राइस क्या एक्स है, तो ऑफ रुपीज एक्स, तो इक्वल टू क्या होगा? 25/100 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैंसिल करें, 25 एकम 25, 25 चौके 100, कितना मिलेगा? एक्स बाई 4। तो यहां पर चलिए डिस्काउंट निकाल लेते पहले, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25% ऑफ रुपीज एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 25/100 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, तो 25 फोर 100, तो क्या मिलेगा? रुपीज एक्स बाय 4। तो ये रुपया क्या मिला? डिस्काउंट मिला। किसको? मेरे फ्रेंड को मिला। किसको मिला? अच्छा, ये रुपया डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो ये डिस्काउंट क्या देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, ये रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो ये रुपया डिस्काउंट जो मिला, किसका डिस्काउंट मिला? रिटर्न प्राइस का, बुक का। तो बुक का रिटर्न प्राइस इतना है, इतने रुपए से अगर इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि ये तो देना नहीं पड़ेगा, ये रिटर्न प्राइस है। रिटर्न प्राइस से अगर हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस निकलेगा। किसका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा? बुक का। तो देयरफॉर सीपी ऑफ द स्टोरी बुक, स्टोरी बुक का सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 4। कोई डाउट? अच्छा, इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा? यहां पे लिखते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। यहां पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 से x को गुणा करेंगे तो 4x, और 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 1 4 1 मिलेगा। 1 से x को गुणा करेंगे तो क्या होगा? x ही होगा। तो यहां पे साइन माइनस है तो माइनस x, ओके। अब 4x में से x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 3x। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सिर्फ 3x, ओके। और ये रुपीज यहां पर लिखते हैं। तो सीपी ऑफ द, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 3x/4। ये हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ही सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस, अगर वो बुक को रिटर्न प्राइस में ही बेचता है, देन लेट अस राइट
द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन, हम लोगों को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हुआ। बुक को रिटर्न प्राइस में बेचता है, बुक को रिटर्न प्राइस में बेचता है, तो रिटर्न प्राइस में बेचने से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बाय सेलिंग द बुक, द स्टोरी बुक, अच्छा बुक लिख देने से भी चलेगा, स्टोरी बुक एट रिटर्न प्राइस, रिटर्न प्राइस में बुक को बेचने से क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ये है क्या रिटर्न प्राइस, तो रिटर्न प्राइस से अगर हम लोग सीपी को माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, तो क्या क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। रिटर्न प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। रिटर्न प्राइस यानी कि एसपी का काम करेगा, और ये तो सीपी है, तो एसपी यानी कि रिटर्न प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? 3x/4। तो अगर हम लोग रिटर्न प्राइस से, क्योंकि बुक को तो रिटर्न प्राइस में बेच रहा है, रिटर्न प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इसको आगे हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा नीचे एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पर नीचे कुछ तो वन है, फोर, और वन का एलसीएम फोर होगा। अब यहाँ पर नीचे वन है, वन से अगर फोर को डिवाइड करेंगे तो फोर मिलेगा, और फोर से एक्स को गुणा करेंगे तो 4x, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस फोर, अब फोर से फोर को डिवाइड करेंगे तो वन मिलेगा, वन से अगर 3x को गुणा करेंगे तो 3x मिलेगा। तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एक्स मिलेगा, एक्स बाई फोर। तो ये क्या मिला? ये क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना, देखिए, लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये तो प्रॉफिट आया निकल के, तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? एक्स बाई फोर, और सीपी कितना है? 3x by 4 इंटू कितना होगा? 100। अच्छा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x by 4, और ये नीचे जो है इसको इंटू में उलाट देंगे, क्या हो जाएगा? 4/3x, ठीक है, और इंटू क्या है? 100। ओके x x कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है? 100, नीचे क्या है? 3। 100 को 3 से अगर कैंसिल करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? देख लीजिए, 3 3 9, 1 बचेगा 10, 3 3 9, क्या बचेगा जी? 1। इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, क्या मिला? 33 1/3, यानी कि होल 33 1/3% ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यही निकालने बोला था तो ये निकाल ली, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, नियामत चाचा हैज बॉट 150 एग्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। बोल रहा है कि नियामत चाचा जो है 150 यानी कि 150 अंडे खरीदा, हर एक अंडा का दाम कितना है? हर यानी ईच एग, हर एक अंडा का दाम है ₹5, ठीक है। कितना अंडा खरीदा? 150 खरीदा, 150 अंडे खरीदा, एक अंडे का दाम ₹5। तो अगर पूरे का दाम निकाले तो 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, ₹750। यानी ₹750 में, यानी कि तुम लोगों को इनडायरेक्टली कह रहा है कि ₹750 में अंडा खरीदा, एक अंडे का दाम कितना? ₹5। यानी इतने रुपए का क्या खरीदा उन्होंने? अंडा खरीदा। ये क्या हो गया? सीपी ऑफ एग्स, ठीक है, ऑफ 150 एग्स। कितने एग्स का सीपी है? 150 अंडे का, ठीक है। बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप, दुकान में लाने के बाद क्या हुआ देखते हैं। ही सॉ, उन्होंने देखा, क्या देखा? दैट 8 एग्स आर ब्रोकन, 8 एग्स, 8 अंडे क्या हुए? टूट गए, 8 अंडे टूट गए, एंड 7 एग्स आर रोटन, और 7 अंडे सड़ गए, सड़ा हुआ मिला, 8 टूट गया, 7 सड़ा हुआ मिला, है ना, ठीक है। अब 8 और 7 कितना हो गया टोटल? ये 15
अंडे क्या बेच पाएंगे? ये 15 एग्स क्या बेच पाएंगे बोलो फटाफट से। कौन लेगा? तुम लोगे सारा वाला साहब? टूटा वाला लोगे? नहीं लोगे, ठीक है, तो ये बेच नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। टोटल खरीदा कितने? 150। 150 में कितना माइनस करेंगे? बचेगा कितना? ये 135 अंडा बेच पाएगा, ठीक है। इफ ही सेल्स ईच एग एट ₹6, अगर हर एक अंडा को ₹6 में बेचे, कितने रुपए में बेचे? ₹6 में, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑफ नियामत चाचा? नियामत चाचा का प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होगा वो निकालना होगा। अगर हर एक अंडे को कितने में बेचे? ₹6 में। वैसे अभी ₹6 में अंडे नहीं मिलते हैं। कितना हो गया जी? 7, कहीं पे 8 भी लेते हैं ना, तो अभी 6 नहीं है। तो चलो यहाँ पर जैसा कहा गया वैसे हम लोग को करना है। तो नियामत चाचा हैज बॉट 150 एग्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। नियामत चाचा कितना अंडे खरीदा? 150। कितना अंडे खरीदा? 150 अंडे खरीदा। तो 150 अंडे का दाम कितना होगा? 750, क्योंकि एक अंडे का दाम ₹5। तो सीपी ऑफ 150 एग्स एट ₹5 ईच कितना हो जाएगा? 150 इंटू 5 होगा कि नहीं, या फिर 5 इंटू 150, बात बराबर। तो कितना आ जाएगा? 750। 150 अंडे का दाम 750, यानी 750 में खरीदा, सीपी लिखे, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या निकालना है? पहले अंडे कितने सर गए हैं जी? 8 टूट गए, 7 सर गए, कुल मिला के 15 अंडे उसका खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, है ना। तो एज 8 एग्स आर ब्रोकन एंड 7 एग्स आर रोटेन, देयरफॉर रिमेनिंग नंबर ऑफ एग्स, बचा हुआ अंडे का नंबर कितना हुआ? 150 माइनस 15 कितना मिलेगा बोलो? 135। इसी को तो बेच पाएगा सिर्फ। एक अंडे को बेचा कितने में? ₹6 में। तो देयरफॉर एसपी ऑफ 135 एग्स एट ₹6 ईच, हर एक को कितने बेच रहा है? ₹6 पे। तो कितने होगा? 135 इंटू 6 कितना हो जाएगा जी जल्दी मतलब? 810। ये है सीपी, ये है एसपी, बोलो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट ही हुआ, टूट गया फिर भी प्रॉफिट, समझ रहे ना? टूट गया फिर भी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? देखो ये है एसपी, ये है सीपी, तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना होगा बोलो? 810 में, यानी कि एसपी में क्या माइनस करेंगे? सीपी कितना है? 750। बचेगा कितना फटाफट बताओ? बचेगा कितना? 60। ये ₹60 क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। हमको क्या निकालने बोला? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस परसेंटेज थोड़ा ना होगा क्या? नहीं होगा, तो क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी, कितना सीपी कितना? 750।
750 इंटू 100, बस एक रसगुल्ला ऊपर वाला एक नीचे वाला काट दो, ठीक है ना, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, है ना। अच्छा आगे आगे काट दो, 15 5 75, 15 5 75, 15 4 60, ठीक है, 5 1 5 2 10, तो 4 2 कितना हो गया 8, तो इतना परसेंटेज उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बोलो इजी था या हार्ड था, बहुत इजी था।